हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप? तो आज बन रहा है यहाँ फ्राइड राइस, तो उसकी तैयारी में हम हैं। तो हमने अभी तक क्या किया मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हमने बस थोड़ा सा ऑयल लिया है और उस ऑयल में हमने डाला है जीरा और अदरक और मिर्च, क्योंकि हम लहसुन और प्याज नहीं खाते। तो उसके बाद हमने डाला है यहाँ पर बहुत बारीक कटा, बारीक भी नहीं, रफली कट बोल सकते हैं, रफली कट हमने डाला है यहाँ पे बंद गोभी। और बंद गोभी के डाल बाद हमने डाला है ओरिगानो की कुछ पत्तियाँ। अगर आपके पास ओरिगानो की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप वो जो सूखा ओरिगानो मिलता है आप वो भी डाल सकते हो बिल्कुल आराम से। अब ये हमारे पास था इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कहीं मिले ना ओरिगानो की पत्तियाँ तो अगर आपको डाल मिल जाए तो आप बिल्कुल डाल देना। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा गाजर, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे हम। चाइनीज़ रेसिपी में जब हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाता है। एक्चुअल में मैं आपको एडवाइस करूँगी, जो भी MSG और वो भी चीनी के जैसे जो फ्लेवर डालने के लिए जो चाइनीज़ चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल नहीं यूज़ करें। वो बहुत ही आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है, पर हम उसे टेस्ट को एनहांस करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। पर टेस्ट 2 मिनट की चीज़ है, हमें ज़्यादा ध्यान इस पर देना है कि वो अंदर बॉडी के अंदर जाके क्या करने वाला है, क्योंकि टेस्ट बस जब तक वो जीभ पे है तब तक ही हमें लगना है। तो अगर हम ये टेस्टी और हेल्दी ये दोनों कॉम्बिनेशन कर लें तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस अब इसे हमेशा तेज फ्लेम पे करें, इसे बहुत याद रखें कि हमेशा जो भी आपको ये सब कुछ फ्राई करना है ना, ये आपका फ्लेम जो है वो हमेशा तेज़ रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे कर रही हूँ। अब उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा शिमला मिर्च। तो पत्ता गोभी हमारे पास 2 कप था और बाकी सारी चीज़ें हमने आधी आधी कप ले ली थी। आप सब्जियों की मात्रा कम और ज़्यादा बिल्कुल अपने हिसाब से बिना कोई टेंशन के कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी सब्जियां हैं, जैसे अगर आपके पास बीन्स हैं और फूल गोभी हैं, ये सब भी आप छोटे छोटे काट के इसमें बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा, हमारे पास पनीर था, पनीर को भी इसमें डाल देंगे और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलर कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इट्स गिविंग लाइक अ रेनबो कलर कॉम्बिनेशन। और आपको पता है अगर आप बच्चे भी आपके सब्जियां नहीं खाना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, हमारे मैक्सिमम बच्चे, तो जब आप ऐसे करके डाल के उनको देंगे तो आप दिली सरप्राइज़ हो जाएंगे। सारी सब्जियां इसके अंदर है, पनीर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे खाएं, बिल्कुल आराम से वो खा लेंगे और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे कि हमें ये नहीं खाना या हमें शिमला मिर्च नहीं अच्छा लगता या फिर हमें बंद गोभी नहीं अच्छा लगता, ऐसा कुछ भी आप नहीं सुनेंगे। क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। मैं कहूँगी अगर आपके पास चावल पड़े तो 5 से 10 मिनट इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, आप आराम से इसमें बना लोगे। जब हमने इसको फ्राई कर लिया है क्रंच मेंटेन रहे, इसलिए अब हम बाद में इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो और बस ये याद रखना है आपको कि आप जो सॉस डालोगे उसमें भी थोड़ा सा नमक होगा। डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, विनेगर से एक खट्टापन वाला फ्लेवर आएगा जो हमें चाहिए। और विनेगर स्किप ना करें, विनेगर का जो फ्लेवर है वो एनहांस कर देता है, वरना वो नॉर्मल आपको लगेगा कि जैसे चावल का पुलाव हो और फ्राइड राइस में एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो विनेगर और साथ में आप ये डार्क सोया सॉस डाल देंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका सोया सॉस कैसा है आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, डार्क है या कम लाइट वाली है। तो हम यहाँ पे कम से कम 2 टेबलस्पून डाल देंगे। लेकिन और बिल्कुल जो स्मेल आएगा वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चाउमीन बन रहा हो, बच्चों को लगेगा कि कोई चाउमीन बनने वाला है। और लेकिन आप उनके सामने बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी देंगे और आप यकीन मानिए वो बहुत ही प्यार से इसे खाएंगे। मिक्सचर को आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप पिज्ज़ा बना रहे हो तो उस मिक्सचर को उसके ऊपर डाल सकते हो, या फिर आपने रोटी बनाया है तो आप क्या कर सकते हो, इस मिक्सचर को रोटी के अंदर सॉस लगा के बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आप सैंडविच के अंदर भी इसको स्टफ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूज़ है, क्योंकि इसमें सोया सॉस है और थोड़ा सा विनेगर है, तो बच्चों को ये टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है कि जिसने चाउमीन में खाया हुआ होता है। तो इस तरीके से आप इसी मिक्सचर को जो आप देख रहे हो इसको आप अलग 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 तरीके से रोटी के साथ, ब्रेड के साथ यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि अब आज हम फ्राइड राइस बना रहे हैं तो आज हम इसके अंदर जो हमने राइस को जब आप पकाएंगे तो थोड़ा सा आप देखिए कितने खिले खिले राइस हैं, तो आप जब राइस को पकाओगे तो थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दोगे और अच्छे से बॉईल करोगे, ठीक है, और नमक भी डाल दोगे ताकि नमक उसके अंदर तक चली जाए, हींग भी।
ठीक है। और घी भी डाल दोगे आप, हींग आप स्किप कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा नहीं लगता है। हींग आप नहीं डालो वो ज़्यादा बेटर होगा एक्चुअल में। अब आप आराम से इसको डालो और आप देखिए ये कितना सुंदर सा बनकर तैयार होगा। इसका ध्यान रखें कि आप एक साथ पूरा चावल नहीं डालें, आप थोड़ा सा डालें फिर चलाएं, फिर थोड़ा सा डालें फिर चलाएं, ताकि वो चावल आपस में चिपके नहीं। अगर आप एक साथ डालोगे तो चावल आपस में चिपक सकते हैं। और इस तरह से आप उसे हटाओगे ताकि इसको खिला खिला हम बना के रखें। अच्छे से आप उसको थोड़ा सा चला लोगे, चावल और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा सोया सॉस कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा और सोया सॉस डाल दिया। अब आप देख रहे हैं इसका पूरा जो कलर है वो बिल्कुल फ्राइड राइस के जैसे आ रहे हैं, ब्यूटीफुल। अभी थोड़ा थोड़ा वाइट चावल दिख रहे हैं हमें, हम पूरा इसको मिला देंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दिखने में। अब देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। लेफ्ट ओवर राइस का भी ये बहुत अच्छा बनता है। रीज़न है कि लेफ्ट ओवर राइस वो बहुत टाइम थोड़ा सा सूखा हुआ होता है, तो उसका भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो ताज़े चावल के अलावा अगर लेफ्ट ओवर राइस है दोपहर में है, तो आप रात में बनाए उसी राइस का, तो आपके काम भी बहुत कम हो जाता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम एंड में डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये दर्दरी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर है, इससे भी फ्लेवर बहुत एनहांस होता है। तो हम इसे बहुत कम मसाले यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें कि इसमें से आप कोई भी मसाला स्किप ना करें, क्योंकि हम ज़्यादा कोई मसाला यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पाउडर में तो बस हमने काली मिर्च का ही पाउडर डाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे फ्लेवर्स जो कि आपके फ्राइड राइस का लेवल बहुत अप कर सकता है और आपको बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट देंगे। अभी हमारा फ्राइड राइस लगभग तैयार है, आप देखिए इसका कलर। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ पास से ला के, आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल जैसे मार्केट में जो आप फ्राइड राइस खाते हो उससे कहीं भी आपको कम ये फ्लेवर नहीं, ना फ्लेवर ना दिखने में आपको लेके आएगा। तो आप हमारा फ्राइड राइस खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अपने अपनी प्लेट निकाल लें और चलिए फ्राइड राइस खाना शुरू करते हैं। इसको आप रायते के साथ खा सकते हैं या फिर आपके पास कुछ भी ना हो बिल्कुल सिर्फ इसी को भी आप आराम से खा सकते हैं, ऐसे भी आपको बहुत ही अच्छा लगे। रेसिपी है अपने आप में फुल मील है, तो जब भी आपको झटपट कुछ बनाना हो तो इस फ्राइड राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच एंड इट वॉज ग्लैड वॉचिंग यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस।